क्या आप भी YouTube से पढ़ते हैं? स्कूल में जो पढ़ाते हैं कुछ समझ नहीं आता है? किताबों को रट्टा मारने के बाद एग्जाम में लिख देना है, जिसके अच्छे नंबर आए वो है गुड स्टूडेंट, एंड जिसके अच्छे नहीं आए वो है बैड स्टूडेंट, है ना? क्या नॉलेज को मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर करना सही है? दुनिया का नंबर वन एजुकेशन सिस्टम यूनाइटेड किंगडम में है, एंड आज जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ये भी तो यूनाइटेड किंगडम के लोगों के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया गया था। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम तो नंबर वन है नहीं, ऐसा क्यों? इंडिया में गुरुकुल सिस्टम था, जहाँ पे बच्चों को उनके गुरु के द्वारा हर एक नॉलेज दी जाती थी जो कि उन्हें आगे चल के लाइफ में काम आए। भारत में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज थे, जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला। इन यूनिवर्सिटीज में देश विदेश से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। इन यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे कि फिलॉसफी, पेंटिंग, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, लॉ, मेडिसिन एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया में बहुत सारे गुरुकुल हैं, जिसमें बच्चों को लाइफ में यूज होने वाली स्किल्स दी जाती हैं। जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसे 1830s में ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड मैक्यूली के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया था। जितने भी गुरुकुल थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे कि उन्हें ऐसे एम्प्लॉयज मिल सके जो कि उनके ऑर्डर्स को ले सके। और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी यही एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है। आज भी हम केमिस्ट्री फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कि सालों पहले ही किया जा चुका है। एक किताब में कुछ चैप्टर्स है जिन्हें पढ़ने के बाद एग्जाम में जाके लिख देना है, एंड जिसके अच्छे मार्क्स आए वो है गुड स्टूडेंट, एंड जिसके अच्छे मार्क्स नहीं है वो है बैड स्टूडेंट्स। क्या मार्क्स के बेसिस पे सबके टैलेंट को कंपेयर करना सही है? बिल्कुल नहीं। इनोवेशन के मामले में इंडिया की रैंकिंग के 40th कंट्री आउट ऑफ 132 कंट्रीज, नंबर वन पे है स्विट्जरलैंड। एजुकेशन रैंकिंग इंडिया की 116th है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है। कंट्रीज जैसे फिनलैंड, जहाँ की लिटरेसी रेट 100% है, वहाँ एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। और इंडिया, जहाँ 74% पॉपुलेशन एजुकेटेड है, जबकि 73 मिलियन यंग पीपल अनएम्प्लॉयड है। नो इम्पोर्टेंस टू स्किल। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। अरे भाई, हर कोई एक ही एग्ज़ाम लिख रहा है, जबकि हर किसी की कैपेबिलिटीज तो डिफरेंट है ना, तो एक ही एग्ज़ाम पे हर किसी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इंडिया में स्किल से ज़्यादा मार्क्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जबकि आगे चल के आपको ये स्किल्स ही बहुत काम आने वाली हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या करा जाए? क्या इसका कुछ सॉल्यूशन है? हाँ है। पहले तो जो सिलेबस बच्चे पढ़ते हैं उसमें क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं, जबकि यही चीज़ें हैं जो कि आपको आगे जाके काम आती हैं। 5th क्लास के बाद तो ड्राइंग एंड रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में है ही नहीं। दूसरी चीज़ है एजुकेशन को एफोर्डेबल बनाना। अगर एजुकेशन को हर कोई एक्सेस कर सकेगा तो इंडिया की लिटरेसी रेट 74% से 100% हो सकती है। आजकल समय बदल रहा है, हर कोई एजुकेशन को फ्रीली ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। तीसरी चीज़ है स्किल्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा सिलेबस के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल सीख सके जो कि आगे जाके उसे बहुत काम आए। आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि स्किल्स के बेसिस पे जॉब देंगे। धीरे धीरे इंडिया में चेंज आ रहा है, एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है जहाँ पे स्किल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी समझ आ रहा है कि एजुकेशन को और इम्प्रूव करना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 में गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज बनाई है जिससे कि स्किल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। बट ये सब चेंजेस आने में अभी टाइम लगेगा। आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में।